हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है एंगल्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स जिसे कोण भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर आपको दिया है स्लाइड का। वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड दी स्लाइड। तो ग्राउंड के बीच में एंड स्लाइड के बीच में कुछ एंगल्स आपको दिख रहे हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे ये स्लाइड है और ये है जमीन का पार्ट, ग्राउंड का पार्ट। तो यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने किया है, तो ये क्या है? एंगल है। देन उसके बाद देखिए ये स्लाइड एंड ग्राउंड का ये पार्ट, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। नेक्स्ट पिक्चर हमें दिया है यहाँ पे, द लैडर मेक्स एन एंगल विद दी ग्राउंड। तो यहाँ पे लैडर, सीढ़ी आपको दिख रही है और यहाँ पे है ग्राउंड, तो इनके बीच में भी आपको एंगल दिख रहा है। तो एंगल मीन्स क्या होता है? देखिए दो लाइंस इस तरीके से जोड़ी जाती है जिसमें हमें एंगल दिखाई दे। तो इस तरीके से हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे कि सीढ़ी एंड ग्राउंड के बीच में हमें इस तरीके का एंगल दिख रहा है। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, वी से एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। तो देखिए ट्री का पिक्चर हमें यहाँ पे दिया है, तो ट्री के ट्रंक, ट्री ट्रंक एंड उसके ब्रांचेस जो है उनके बीच में भी हमें एंगल दिख रहे हैं। रेड कलर से आपको दिया है, देखिए इस तरीके से कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरीके से एंगल हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, देर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। तो इलेक्ट्रिक पोल कैसे होगा? स्ट्रेट होता है और यहाँ पे ग्राउंड है, तो इस तरीके का कुछ एंगल हमें दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे ब्रांचेस में देखेंगे तो कुछ इस तरीके के एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, और हम यहाँ पे अगर पोल वाला देखेंगे तो पोल का एंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये जो एंगल डिफरेंट डिफरेंट हमें दिख रहे हैं, तो उनके कुछ नाम भी होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। इन अवर सराउंडिंग्स वेर एवर वी सी टू लाइन्स मीटिंग देयर इज एन एंगल। जब दो लाइन्स एक दूसरे को मिलते हैं तब एंगल बनता है। देखिए अगर मैंने एक लाइन इस तरीके से ली है और दूसरी लाइन यहाँ पे, तो एक एंगल बन जाएगा। एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और दूसरी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? एंगल बनता है। कलेक्ट सम पिक्चर्स इन विच यू कैन सी एंगल्स, मार्क दोज एंगल्स यूजिंग अ पेंसिल। तो आपके आजू बाजू में कई सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिनमें आपको एंगल्स दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप क्लॉक देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, बुक अगर देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा। लुक एट द एंगल्स दैट कैन बी मेड एट यूर एल्बो। आपके एल्बो के साथ भी अगर आप मूवमेंट्स करोगे तो आपको अलग तरीके के क्या दिखेंगे? एंगल्स देखने मिलेंगे। तो देखिए आगे हम देखेंगे जो हमने डिफरेंट टाइप के एंगल्स देखे उनके नाम क्या होते हैं। तो देखिए राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये थ्री एंगल्स के नाम आपको दिए हैं। अभी राइट एंगल कौन सा होता है? वी सी अ राइट एंगल बिटवीन टू एडजॉइंट साइड्स ऑफ ए विंडो। तो देखिए विंडो के ये जो एडजॉइंट साइड्स है इनके बीच में हमें कौन सा एंगल दिखेगा? राइट एंगल, कि एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन होती है और एक स्ट्रेट ही क्या होती है? स्लीपिंग लाइन होगी, तो उससे जो एंगल बनता है उसे राइट एंगल कहा जाता है। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बुक मेकर राइट एंगल। अगर हम बुक के दो साइड्स लेते हैं, कोई भी दो साइड्स अगर आप लोगे, देखिए फॉर एग्जांपल ये और ये अगर लाइन हमने ले ली इस तरीके से, तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट एंगल बन जाएगा। अगर ये वाली साइड एंड ये वाली साइड अगर हम लेते हैं तो ये भी राइट एंगल कहा जाएगा। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन, तो ये होगा हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट जो है हमेशा 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट आप अगर हम क्लॉक में देखेंगे तो क्लॉक में भी हमें अलग तरीके के एंगल्स दिखाई देते हैं। अगर क्लॉक में 3 o'clock बजते हैं और 9 o'clock बजते हैं, तो हमें यहाँ पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड इस तरीके से दिखेंगे कि वहाँ पे हमें राइट एंगल बनता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे 3 बजे हुए हैं, तो जो आवर हैंड है वो किस पे है? 3 पे, एंड मिनट आवर जो है, मिनट हैंड जो है 12 पे है। तो कुछ इस तरीके से हमें एंगल दिखेगा जिसे हम राइट एंगल कहेंगे। जब 9 बजते हैं तब भी हमें इस तरीके का एंगल दिखाई देगा जिसे हम राइट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। इन द पिक्चर अलोंग साइड देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द टू ब्लेड्स ऑफ द सीजर। तो सीजर के जो ब्लेड्स हमें दिखते हैं उनके बीच में जो एंगल बना है वो कौन सा है? देखिए इस तरीके से एक स्ट्रेट ब्लेड दिख रहा है और दूसरा जो है वो भी हमें स्ट्रेट ब्लेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा? इस तरीके से कुछ एंगल फॉर्म होता है, तो उसे कहा जाता है राइट एंगल, और इसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। ये भी बात आपको याद रखनी है, आपके बुक में अभी नहीं दिया है लेकिन आपको आगे आएगा ये। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे ही राइट एंगल कहा जाता है।
As we reduce the distance between the tips of the blades, little by little the angle between the blades grows smaller than a right angle. तो देखिए, अगर हम इस सीजर का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा था, कुछ इस तरीके से ब्लेड दिखाई दे रहे थे, तो इनमें जो डिस्टेंस है वो हम कम कर देंगे, कुछ इस तरीके से कर देंगे, तो हमें कौन सा एंगल दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का एंगल दिखाई देगा। तो वो एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है। देखिए, ये था हमारा 90 डिग्री का, यहाँ पे हमें दिख रहा है 90 डिग्री से छोटा एंगल दिख रहा है, ये है 90 डिग्री का और ये है 90 डिग्री से कम वाला, तो उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, बट एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड्स, द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रो बिगर दैन अ राइट एंगल, एंड एंगल दैट इज बिगर दैन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑप्टिक एंगल। अगर ये दो ब्लेड्स के बीच का सीजर में जो दो ब्लेड्स है इनका डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं और वो डिस्टेंस 90 डिग्री से ज़्यादा है, देखिए 90 डिग्री ये वाला था, अभी इससे ज़्यादा कैसे होगा, देखिए इस तरीके से अगर हमने बना दिया तो ये जो डिस्टेंस होता है ये मोर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी इजी है, आपको याद क्या रखना है, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, आपको दिया है यहाँ पे, क्लॉक में अच्छे से समझ में आएगा, ये है राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन हमें स्ट्रेट इस तरीके से दिख रही है 90 डिग्री में, तो ये राइट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, तो ये एक्यूट एंगल आएगा। नेक्स्ट है एंड ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा आएगा। तो सिंपल चीज़ें हैं, 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये थ्री टाइप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा, तो 90 डिग्री से ये जो मेजरमेंट है ये छोटा आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल आएगा, तो एक्यूट एंगल आएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है एक्यूट एंगल की इस तरीके से। नेक्स्ट आपको दिया है, तो ये बिल्कुल भी हमें 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये कौन सा आएगा, राइट एंगल आएगा, ये था एक्यूट, ये राइट। थर्ड वन जो हमें दिया है ये 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। उसके बाद फोर्थ वन भी जो दिया हुआ है हमें, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। एंड ये लास्ट वन जो दिया है ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है, इसके लिए आएगा एक्यूट एंगल। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, एक्यूट उससे छोटा होता है, एंड ऑब्ट्यूज राइट एंगल से बड़ा होता है, तो ईजिली इस तरीके से फिगर देख के आप समझ जाओगे कि वो कौन सा एंगल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन दी बॉक्स बिलो। तो देखिए, आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं कि जो डॉट्स है उनको हमें इस तरीके से जॉइन करना है कि राइट एंगल्स बनने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से बना सकते हैं, देन उसके बाद ये अगर हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो हमें राइट एंगल यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको आपके बुक में इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है मेक एक्यूट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अभी एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्यूट एंगल मिल जाएगी, जो कि 90 डिग्री से क्या आने चाहिए, छोटे आने चाहिए। तो आप यहाँ पे बुक में आपके कर सकते हो। नेक्स्ट है मेक ऑब्ट्यूज एंगल बाय जॉइनिंग दी डॉट्स। ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से बड़े होने चाहिए, तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप बुक में क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है मेक अ राइट एंगल एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एट योर एल्बो। तो देखिए, अगर हमारा हैंड हम स्ट्रेट पकड़ेंगे उसके बाद एल्बो के अगर मूवमेंट्स करेंगे तो हमें इजीली जो है एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल बनाना आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बना के दिखा सकते हो। तो इसे ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट कि एंगल्स के टाइप्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है चेक इज दिस ट्रू। तो ये सही है या नहीं ये आपको चेक करना है। द एंगल एंड इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज ए राइट एंगल। तो ये राइट एंगल ही बना था जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पे देखा था। तो फिर से हम जाएंगे फर्स्ट पेज पे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा राइट एंगल बना था क्या यहाँ पे, हमें ये चेक करना है। तो देखिए, इस तरीके से एंगल बना था स्ट्रेट लाइन वाला, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ही होगा, तो ये करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट जो है उनको हम चेक करेंगे अभी। द स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद दी ग्राउंड।
तो दूसरा हमें दिया था स्लाइड का एग्जांपल कि स्लाइड में एक एक्यूट एंड एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, तो उस टाइम हमने ऑब्जर्व किया था, देखिए यहाँ पे आपको दिया है। तो ये है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा एंगल बनता है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से 90 डिग्री से ज़्यादा, मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और ये बनेगा हमारा एक्यूट एंगल। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, द लैडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद दी वॉल, तो आपको पिक्चर देखना होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। द एंगल बिटवीन द थॉर्न्स ऑफ द बबल ट्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, एंड उसके बाद लास्ट दिया है लिविंग द थंब द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजॉइन फिंगर्स इज एन एक्यूट एंगल। तो ये काफ़ी ईजी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करके भी आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको देखना है ये ट्रू है या नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो हमने अभी देखा कि एंगल्स क्या होते हैं, कि दो एडजॉइंट साइड्स जोड़ने से जो फॉर्म होता है शेप, उसे कहा जाता है एंगल्स। कि इस तरीके से दो लाइन अगर हम किसी भी तरीके से जॉइन करते हैं तो उससे एंगल फॉर्म होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो राइट एंगल में हमने क्या देखा था कि वो 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री, एंड ऑप्टिक एंगल जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।